Hello friends, welcome back to my channel Aviation Dreamer and here is your friend Paresh. So friend, बहुत दिन पहले मैं एयरपोर्ट रिटेल के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था. उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि एयरपोर्ट रिटेल के लिए आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बताया था. लेकिन वहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं बताया था कि कैसे आप लोग एयरपोर्ट रिटेल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे हाँ, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है. जिनके पास 12th है, 10 प्लस 2 कंप्लीट है जिनका, या जिनके पास 10th है खाली, ठीक है, तो वो लोग ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो आप लोगों को मैंने बताया कि अगर हम लोगों को ग्राउंड स्टाफ में जॉब नहीं मिल रहा है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट के अंदर रिटेल में जॉब कर सकते हैं एंड वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग फिर ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काउंटेबल होगा. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा, अगर आपके पास 10+2 है या 10th है तो आप कैसे दीपेन इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो दीपेन इंटरनेशनल कंपनी के बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इंटरनेट में जाके चेक कर सकते हो. ये बहुत ही एक अच्छा कंपनी है. तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप लोग दीपेन इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड यहाँ पे हाँ, ऐसा नहीं कि आपको KFC के लिए अप्लाई करना है, आपको एयरपोर्ट में जॉब लेना है तो एयरपोर्ट वाला जो स्टोर है उसके लिए ही अप्लाई करना है, उन लोगों के वेबसाइट के थ्रू. सो ऑनलाइन फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल्स में बताऊंगा. वहाँ पे आपको अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपके पास कन्फर्मेशन मेल आता है एंड वहाँ पे आपको बुलाएगा फिर इंटरव्यू के लिए. यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे एक दो प्रोसेस हो, दो ही राउंड होगा, बस एक इंट्रोडक्शन राउंड एंड देन आपके और एक राउंड होते हैं जहाँ पे सैलरी वाला डिस्कशन होता है या एक दो और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो यही वाला कंप्लीट है. तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. बट स्टिल, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. सो फ्रेंड, डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटर में चले जाते हैं एंड वहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दीपबनी इंटरनेशनल में. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ एंड यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं पूरा स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा दीपेन इंटरनेशनल के लिए. तो उन लोगों का ऑफिशियल वाला जो पेज है उनका डिटेल्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ कि दीपेन इंटरनेशनल पे उन लोगों का करियर पेज में आना है. तो मैं यहाँ पे जो लिंक होगा, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यही पेज में आप लोग आ जाओगे. फिर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ शॉप्स के नाम दिया हुआ है कि कौन से शॉप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे देख सकते हो कोस्टा कॉफी जॉब्स, ये वाला जो होता है ये एयरपोर्ट के लिए ही होता है खाली. एंड ऊपर में और एक है वांगो जॉब्स, ये भी मैंने एयरपोर्ट में ही देखा है लेकिन कंफर्म नहीं हूँ कि एयरपोर्ट में ही होता है. तो आप ये वांगो के लिए या आप कोस्टा कॉफी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ऊपर में दिव्यानी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. और ये जो KFC एंड पिज्जा हट, यहाँ पे भी जो स्टाफ होता है ये दिव्यानी इंटरनेशनल के लिए होता है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको एयरपोर्ट में ही होगा, ये सिटी के अंदर जो KFC या पिज्जा हट की शॉप होता है वहां पे भी आपका हो सकता है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, कोस्टा कॉफी वाला देखेंगे. तो कोस्टा कॉफी में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोगों को. क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का कोस्टा कॉफी का जो भी वैकेंसीज होगा वो डिटेल्स में शो कर देगा, ठीक है. और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई वैकेंसी का अपडेट्स नहीं होता है. तो आप लोगों को जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारे बैकडेटेड वैकेंसीज है. इसके थ्रू आपको उन लोगों के पास पहुंचना है, बस फिर वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा एंड देन आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को बस पोजीशन चेक करना है कि कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है. तो हम लोग फ्रेश है, तो हम लोगों को बस फ्रेश पोजीशन के लिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए या सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो इस पोजीशन के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अप्रोप्रिएट होगा. और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
कोई रेस्टोरेंट में, कोई होटल में, मीन्स बेसिकली हॉस्पिटलिटी में आपके अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका वैल्यू, आपका अच्छे से जॉब मिल जाएगा, कोई अच्छे पोजीशन में, टीम लीडर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला पोजीशन हम लोग देख लेते हैं दिल्ली के लिए। एंड देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि सारे डिटेल्स में कि क्या क्या चीज यहाँ पे मेंशन है। तो पहले है डिजिग्नेशन, कि कौन से डिजिग्नेशन के लिए हम लोगों को अप्लाई करना है, जॉब के डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पे वॉक एक्टिविटीज है, क्या क्या जॉब आपके रोल होगा, क्या काम आपको करना पड़ेगा, डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। डिजायर प्रोफाइल है, यहाँ पे कौन से क्वालिटीज इन लोगों को चाहिए, एक्सपीरियंस 6 to 1 years की आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपके पास अगर ऐसे कोई शॉप्स की एक्सपीरियंस है तो आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इवन ये कौन से इंडस्ट्री में आता है, ये होटल, रेस्टोरेंट या एयरलाइन, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आता है। एंड उसके बाद जॉब रोल आपके क्या होगा, एंड उसके बाद एडुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, HSC या SSC, मींस 10+12, 10+2, या आपके पास 10th है तो भी चलेगा, या आपके पास कोई डिप्लोमा है कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी, कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स किए हो या डिप्लोमा किए हो, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। या आपके फूड एंड बेवरेज की कोई सर्टिफिकेट है तो भी ये आपके लिए ऑप्शनेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जॉब लोकेशन दिल्ली, NCR, या आपके कोलकाता की या मुंबई के लिए, जो भी लोकेशन के लिए वो यहाँ पे शो करेगा। देन कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे है, लेकिन कॉन्टेक्ट डिटेल से हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट चेक करने की ईमेल नंबर ये है, जॉब ये देखिए, मैंने बोला था ये 2012 में पोस्ट किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोगों को अप्लाई करना है। जो भी है हम लोगों का एप्लीकेशन बस कंपनी तक जाएगा, एंड उसके बाद वो लोग फिर बाद में जो बाकी प्रोसेस है वो लोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों का ओपन हो गया। एंड इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज करना है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहला आपका देखिए, ये डिफॉल्ट रहेगा, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन भी डिफॉल्ट रहेगा, आपके नाम मेंशन करना है, आपके ईमेल आईडी मेंशन करना है। एंड उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो वो मेंशन करना है। अच्छा, यहाँ पे स्टार मार्क है तो विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन करेंट CTC, अगर आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब के आपके सैलरी कितना मिल रहा है, CTC कितना मिलता है, एक्सपेक्टेड CTC मीन्स अभी आप कितना सैलरी मांग रहे हो कंपनी से, या कितने सैलरी होने से आप जॉब करोगे वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपके क्वालिफिकेशन, देन आपके पासिंग ईयर, मतलब आपके लास्ट क्वालिफिकेशन एंड कौन से साल पे आपने कंप्लीट किया था आपके क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे मेंशन करना है। करंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। एंड उसके बाद करंट लोकेशन, अभी आप कहाँ पे हो, मीन्स कौन से सिटी में हो, वो सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन आपके यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। देन आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका जो सबमिशन हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके सबमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है। कंपनी की तरफ से आपके पास मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल, नहीं तो आपके मोबाइल पे वो लोग कॉल करेंगे इंटरव्यू शेड्यूल के लिए। लेकिन इसका टाइम लिमिटेशन मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मैं पहले प्रोसेस करके फिर मुझे अगर फीडबैक मिलता है तभी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, तो ये इसका फीडबैक हम लोगों को मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये आप अप्लाई कीजिए। लेकिन हम लोगों को जो मुझे नॉर्मली रिप्लाई मिला था वो नियर अबाउट 35 days तक मुझे वेट करना पड़ा था, देन मुझे रिप्लाई मिला था। तो प्लीज आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए रिटेल जॉब के लिए। एंड दिब्बनी इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा कंपनी है,
लाइक TFS भी आप लोगों को पता होगा, एंड तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो इन फ्यूचर जाके आप ग्राउंड स्टाफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया, आई थिंक कि आप लोग अप्लाई करोगे जिसके पास 10+2 है या 10th है, एंड ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ यू थिंक दिस वीडियोज इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपके अगर और कोई भी दोस्त या फ्रेंड्स वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एयरपोर्ट रिटेल जॉब, देन प्लीज शेयर दिस वीडियोज टू दोज फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।